चलिए गाइस हम हो गए हैं तैयार, नाश्ता भी हमने कर लिया है, बहुत मज़ा आया। वैसे भी मुझे बड़ा शौक था लाहौरी चने खाने का, लेकिन बड़ा मज़ा आ गया खा के। अब हम निकल रहे हैं मरी के लिए, अब हम वहाँ जाएंगे। अब वहाँ पे भी देखिए कितना सफ़र लगता है, जैसे लाहौर हमें आते यहाँ लाहौर आते आते भी हमारा 5 घंटे और 20 मिनट का सफ़र था, और ये भी अब यही कह रही है कि 5-6 घंटे का सफ़र है लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी। लेकिन हम इस्लामाबाद नहीं रुकेंगे, हम डायरेक्ट मरी जा रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे मरी में। अब हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, ये रही हमारी बस। हमारी बस चल पड़ी है और ये है 5-6 घंटे का सफ़र, और हम जाएंगे इस्लामाबाद। बहुत हमारी बस जो है वो रुकी है रेस्ट के लिए, और यहाँ पे हम उतरे। बड़ी बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो हम कुछ लेने आए हैं खाने पीने का सामान। हमारे बस वाले बुला रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने आइसक्रीम ली है, इतनी धूप में, इतनी ठंड में और इतनी धूप में हम खाएंगे अब आइसक्रीम। अब जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, अब हम जाएंगे इस्लामाबाद। वही सफ़र होगा, मज़ा ये वाला सफ़र फिर भी मज़ा आया है। पिछले में ना गाने थे ना कुछ था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन इस सफ़र में अब कुछ मज़ा आ रहा है। गाइस हम खैरियत से इस्लामाबाद हम पहुंच गए हैं। अब उन्होंने बताया कि गाड़ी के लिए नहीं निकलती, तो इसलिए अब हम कार करवा रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी करवाते, अभी जा रहे हैं आगे, रातों रात हम पहुंच जाएंगे मरी। हम लोग अब जा रहे हैं मरी, पहले हम खाएंगे खाना वाना, उसके बाद हम लोग जाएंगे मरी। रास्ते में रुके, हमें लगी है जोरों की भूख, अभी हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग मरी के लिए निकलेगा। ये देखिए एक केड़ा होटल है मामू, है मेज़बान तंदूरी रेस्टोरेंट एंड मुर्ख पुलाव। अब हम खाना वाना खाएंगे। खाएंगे।
नहीं ठीक था, टेस्ट अच्छा था, नॉर्मल। रात का खाना इतना हेवी अच्छा नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था मिक्स था कुछ इसके अंदर। मिले हुए थे ऐसे, अलहमदिल्ला बहुत लंबा सफ़र था, अब हम आ गए हैं मरी, अब जा रहे हैं हम होटल बुक करवाने। लग्जरी होटल लग। सफ़र का भी बहुत मज़ा आया, थक भी बहुत गए हैं, खाने का भी बहुत मज़ा आया। अब हम पहुंच गए हैं, हाँ मैं बता दी ना, मेरे को ज़्यादा तू सोना लगता है अच्छा जी, आज से तकरीबन 6 साल बाद मैं मरी आई हूँ, और मैं पिछले साल अपने सिर्फ बाबा के साथ आई थी यहाँ पे, और आज हम 6 साल बाद मरी आए हैं। अम्मी को लग रही थी ठंड तो वो रुक गई होटल पे ही, वहीं पे कह रही थी कि तुम लोग घुमाओ, तुम लोग आज़ाद हो और मुझे आराम कर रहे थे, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने आ जाएं। इतनी किस्मत तो सारी बनी थी, अब हम आ गए हैं। ये देखिए इस मामले में तो बड़ा हरामी हूँ। अब हम ले रहे हैं स्मोकी बॉल्स, हैं माल रोड पे, और यहाँ पे हम करने आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग। हाँ ये चीज़ें प्यारी तो हैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं, परफ्यूम भी है, चलो देखते हैं। अच्छा गाइस, जब मैं 6 साल पहले अपने बाबा के साथ जब आई थी ना, तो माल रोड पे जो ये वाला है ना होटल, कहाँ गया ये वाला, हाँ फैमिली रूम, ये वाला यहाँ पे हम रुके थे, बहुत मज़ा आया था। और आज मैं अपने बाबा को बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और उनकी कमी भी बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं कभी भी अपने बाबा के बगैर कहीं भी घूमने नहीं जाती थी, चाहे जो भी चाचू मामू जो भी लेके जाते थे ना, नहीं जाती थी। लेकिन आज देखो किस्मत ऐसी ले आई है कि आ गई हूँ मैं। पसंद आई है पठानों वाली, बड़ी प्यारी है, तो मामू ना उसको तंग कर रहे हैं कि काम करे काम करे, अब जा रहे हैं लेने, तीसरी बार जा रहे पठानी लगी थी। दुकान पास शरीफ लोग इधर आ जाए। आइसक्रीम खा के बहुत ठंड लग रही है, मैं तो बहुत सर्दी लग रही है, जल्दी जल्दी दो। अब जा रहे हैं हम अपने रूम्स में, होटल पे जा रहे हैं, उसके बाद हम आराम करेंगे, फिर मैं मिलूंगी आपसे
सुबह ठीक है हम जब घूमने जाएंगे। ठीक है जी, अभी के लिए काफी है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thanks for watching. Next part of this video will be coming soon.